वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते सरकार द्वारा कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए गाइडलाइन जारी की गई, जिसके चलते केवल जरूरी वस्तुओं की दुकानें दिन में केवल 3 घंटे खोलने की अनुमति है, किंतु व्यापार मंडल इंदौरा द्वारा इसका खंडन किया गया है। अतः सरकार से अपील की गई है कि जरूरी वस्तुओं की तर्ज पर इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल शॉप, कपड़े, फर्नीचर, फुटवेयर, बार्बर, किताबों आदि की दुकान भी खोली जाए। उन्होंने अपील की है कि सभी व्यापारी वर्ग पहले ही कर्ज की मार झेल रहे हैं, वहीं अब व्यापार पूरी तरह बंद होने पर बैंक की किस्तें, दुकान के किराए, दुकान पर रखे वर्कर का खर्चा कहां से दें, वहीं उनके बच्चे की स्कूल की फीस देने तक असमर्थ हो गए। वहीं व्यापार मंडल ने कहा कि अगर सरकार चाहे तो कैटेगरी के अनुसार 2-2 दिन भी दुकान खोलने की अनुमति देती है तो भी उन्हें मंजूर है। मेरी सरकार से ये डिमांड है कि मैं चाहता हूँ कि सारे दुकानदार भाई सारे इनको भी 2-2, 3-3 घंटे का टाइम जरूर मिले। जैसे बाकी दुकानें खुल रही हैं, इन्होंने भी दुकान के किराए देने हैं, इनके इन्होंने भी बैंक का इंटरेस्ट देना है, और लोन जिन्होंने लिए हुए हैं उन्होंने लोन का इंटरेस्ट देना है। तो हम चाहते हैं कि जैसे सारे दुकानदार 2-2, 3-3 घंटे जैसे बाकी दुकानें खुल रही हैं, वैसे इनकी दुकानें सभी की खुलनी चाहिए। हमारा हिमाचल सरकार से निवेदन है कि जैसे बाकी दुकानदारों को टाइम दिया जा रहा है जैसे 9 से 12 बजे तक, हमें भी टाइम देना चाहिए। बाकी ज़रूरी थोड़ी है कि किराना ही खाना है या कुछ भी है, बाकी सामान भी जरूरी है, जैसे फुटवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, हर एक चीज़ की जरूरत है। उज्जवल हिमाचल के लिए इंदौरा से दिनेश धीमान। डॉक्टर KDI's हॉस्पिटल, आपकी आंखों का हम रखेंगे ख्याल।